नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। क्या ये 42 अमेंडमेंट एक्ट है, 52 अमेंडमेंट एक्ट है, 62 अमेंडमेंट एक्ट है या फिर 32 अमेंडमेंट एक्ट है? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 52 अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स कहता क्या है ये कि 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल जिसे दल बिदल विरोधी अधिनियम यानी कि एंटी डिफेक्शन एक्ट के रूप में जाना जाता है, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था और ये किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर जो भी इलेक्टेड सदस्य हैं उनकी अयोग्यता के लिए प्रावधान ये निर्धारित करता है। और आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा। फ्रेंड्स दिस इज विहान और हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपना एग्जाम यहाँ पर देख सकते हैं या फिर अदर कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं और फ्री टेस्ट अगर आप अपने एग्जाम से रिलेटेड लेना चाहते हैं या फिर सिलेबस एमसीक्यूज नोट्स वीडियो कोर्स तो प्रोफेशनल्स के अंडर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, व्हाट्सएप कर लेना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपीज? क्या ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा, प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन या फिर द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, चुनाव आयोग करेगा, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री करेगा या फिर चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करेगा? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करेगा। फ्रेंड्स संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में किसी भी विवाद को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, याद रखो, जो चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय लेंगे, ठीक है, और उनका निर्णय आर्टिकल 106 के अनुसार अंतिम होगा। ये जितने भी की फैक्ट हैं इनको आप जरूर नोट डाउन किया करें या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ग्रुप है व्हाट्सएप का वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है, बताइए जल्दी से, क्या ये यहां पर बात हो रही है संविधान में संशोधन यानी कि यहां पर अमेंडमेंट करनी है, ठीक है, तो कार्रवाई कहां पर आरंभ की जा सकती है? पहला पॉइंट बोलता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावना की जाए, यदि राज्यसभा में विधेयक को पेश किया जाए तब, या फिर राज्यों के राज्यपाल द्वारा, या फिर यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किए जाए तब। और यहां पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि बात सिर्फ यहां पर यह हो रही है कि द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड, ठीक है, तो बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किए जाए, ठीक है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी बिल में अमेंडमेंट करनी है तो संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा या फिर राज्यसभा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि संविधान के भाग 20 के आर्टिकल 368 में भारत की संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। इस आर्टिकल में प्रावधान है कि संसद अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन यानी कि सिंपल सा बोलो तो मॉडिफिकेशन अगर करनी है, ठीक है, या फिर चेंज और कैंसिलेशन करना है, ठीक है, तो वो कर सकता है और ये चीजें की फैक्ट में याद रखा करें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? और लास्ट में आपको मैंने ये सारी चीजें बताई थी कि स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, एडहॉक कमेटीज क्या होती हैं
और स्टैंडिंग कमेटीज में मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जिनकी पहचान करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ये स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा है या फिर नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीजें कंफ्यूज करती हैं, और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है पिछली वीडियोज में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकलन समिति एस्टिमेट कमेटी जो है वो सबसे बड़ी कमेटी होती है। फ्रेंड्स, इस कमेटी में 30 सदस्य होते हैं जो सभी भारतीय संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा से ये चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति भारत सरकार की आय और व्यय का लेखा परीक्षण करने के उद्देश्य से भारतीय संसद के नियुक्त सदस्यों की एक समिति है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि भारत सरकार की चाहे वो इनकम है, व्यय, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसका लेखा जोखा, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड जितना भी है वो भारतीय संसद के नियुक्त सदस्यों की एक समिति वो सारा काम देख रेख करती है, ठीक है। और अगर आपने इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है तो रिविजन टेस्ट 703 में क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़े अच्छे से तरीके से मैंने आपको वहां पर समझाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड, अब आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है हु हैज कंट्रोल ओवर द मनी इशू फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑथराइज्ड मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, किसका नियंत्रण है जी बताइए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पार्लियामेंट का, ये इसका मतलब पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल है, ठीक है। अब देखिए, तीन टाइप के कंसोलिडेटेड फंड होते हैं, नोट डाउन करिए। एक आपका रहता है भारत की संचित निधि, जिसको हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, और एक आपका रहता है कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की आकस्मिकता निधि, और एक आपका रहता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का सार्वजनिक खाता, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत की संचित निधि है यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, संचित निधि सभी सरकारी खातों में सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार को मिलने वाले सभी प्रकार के राजस्व हो गए, सीमा शुल्क हो गए, उत्पाद शुल्क हो गए, आयकर हो गया, संपदा शुल्क हो गई, और सरकार द्वारा किए गए खर्च हो गए, कुछ विशेष खर्च को छोड़कर, ठीक है, संचित निधि का हिस्सा है। और वहीं पर अगर हम बात करें कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की, तो ये निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है, अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस निधि का गठन संसद ही करती है, अर्थात संसद ही तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होगा, ठीक है। ये चीज पॉइंट है, अगर आप ये पॉइंट अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बहुत क्लैरिफिकेशन आपकी हो जाएगी। और एक आपका है सार्वजनिक खाता यानी कि पब्लिक अकाउंट। फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 266 क्लॉज 1 के तहत सार्वजनिक खाता की स्थापना की गई है। इसमें लेन देन में जो भी शामिल राशि आती है, ठीक है, इसमें लेन देन में शामिल वो राशि आती है जहां सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। इसमें व्यय के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो आपका आर्टिकल्स 266 क्लॉज 1 में आपका रहता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, और आर्टिकल 267 क्लॉज 1 में आपका रहता है कंटेंजेंसी ऑफ इंडिया, और आपका एक रहता है पब्लिक अकाउंट, वो आपका रहता है आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चल चुका है कि कंसोलिडेटेड फंड कितने टाइप का है, 3 टाइप का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता विपक्ष के रूप में सदस्य द्वारा की जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही है विच पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया इज जनरली हेडेड बाय द लीडिंग मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। क्या ये कमेटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस है यानी कि सरकारी आश्वासन संबंधी समिति है, प्राकलन समिति एस्टिमेट कमेटी है, प्रिविलेजेस कमेटी है, विशेषाधिकार समिति है, या फिर लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है।
देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक चीज बताई थी और अभी फिर से रिपीट कर देता हूं। एक की फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। स्टैंडिंग कमिटीज क्या होती हैं, जिनको हम स्थायी समितियां कहती हैं। स्थायी और नियमित समितियां जिनका गठन समय समय पर संसद के एक अधिनियम या लोकसभा में प्रक्रिया और जितना भी कार्य संचालन है उनसे नियम है, ठीक है, उनके जितने भी चीजें रहती है उसके अंडर किया जाता है, ठीक है। और इन समितियों का जो कार्य है वो किस किस टाइप का है, निरंतर प्रवृत्ति का है, चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर लेते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो 1921 में थी और इसके जो मेंबर है वो 22 होते हैं, ठीक है। और इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स, देखिए इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए ये चुने जाते हैं, ठीक है। और टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो एक वर्ष का होता है। चेयरमैन कौन होता है ये याद रखो, चेयरमैन हमेशा विपक्षी दल से होता है, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी से होता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चंस में भी यही पूछा गया है, ठीक है। और इसके जो फंक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप पब्लिक कमेटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। तो देखिए, इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या करेगा कि कैग की जो भी वार्षिक ऑडिट है, ठीक है, कैग की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाती है। देखिए, कैग जो रिपोर्ट है वो तीन टाइप की होती है। एक आपका होता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट होता है, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक होता है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि विनियोग खातों पर एक रिपोर्ट, वित्त खातों पर एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और एक आपका होता है सार्वजनिक उपक्रम पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ठीक है, क्लियर है। एप्रोप्रिएशंस अकाउंट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट हो गया, और सिंपल सा है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया, ठीक है। ये तीन पॉइंट है, ठीक है, याद रखना, एक, दो, ठीक है, और ये तीन, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा मैंने आपको बता दिया है, लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं, किसमें होती हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए। इन होम आर द रेजिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन वेस्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या फिर स्टेट। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पार्लियामेंट, क्लियर है। भारतीय संविधान की अधीन विधान की जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं किसमें होती हैं, किसमें निहित होती हैं, पार्लियामेंट में, ठीक है। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची यानी कि शेड्यूल आर्टिकल 246, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सातवीं अनुसूची में उल्लेखित सूची के तीन प्रकारों के माध्यम से किया गया है। एक आपका है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और थर्ड है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहां पर भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, कौन अप्रूव करेगा, क्या ये प्रेसिडेंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा या फिर पार्लियामेंट करेगा, जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार आर्टिकल 3 के अधीन संसद को प्राप्त है, ठीक है, बाकी आप इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त होती है। यहां पर बात हो रही है हु हैज द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या ये सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, नई अखिल भारतीय सेवा यानी कि राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से हल करने के बाद ही बनाई जा सकती है, याद रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है,
आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा में क्या क्या चीजें आती हैं, एक आपका आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है, कौन बनाता है, हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स द लॉज इन इंडिया, क्या ये प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बनाएगा, प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, या फिर लोकसभा राज्यसभा। सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा बनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज मीन बाय कंक्लूजन इन द पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर कंक्लूजन क्या है इसका। देखिए, जो समापन से आशय है याद रखना, क्या ये संसद के सत्र का अंत है, क्या ये किसी प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की जा रही है तो उसके ऊपर रोक है, या फिर एंड ऑफ द जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है, ठीक है, उसका एंड हो गया, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई नहीं। फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, अगर समापन से क्या मतलब है, संसदीय शब्दावली में समापन शब्द का अर्थ प्रस्ताव पर हो रही बहस पर रोक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, संसद के सत्र का अंत यानी कि एंड ऑफ पार्लियामेंट सेशन, ठीक है, याद रखो इन क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहां पर, विधायकों को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज द लेजिस्लेचर हैव मोर प्रायोरिटी देन द एग्जीक्यूटिव, जल्द से बताइए, क्या ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या फिर ऑथराइजेशन गवर्नमेंट। सिंपल सी बात आप याद रखो फ्रेंड्स, विधायकों को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका को संसदीय सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, शासन के तीन अंग यानी कि व्यवस्थापिका को हम लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं और न्यायपालिका को हम जुडिशरी कहते हैं। फ्रेंड्स लेजिस्लेचर देश के लिए कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को लागू करती है और जुडिशरी जो है वो लोकतंत्रीय व्यवहार नियमों के अनुसार न्याय दिलाती है, क्योंकि जज भगवान नहीं होता है, जज भी एक इंसान है, ठीक है, लेकिन जो भी लोकतंत्र के अकॉर्डिंग, इसलिए कहते हैं कि कानून जो वो अंधा होता है, ठीक है, यानी कि वो गरीब अमीर ऊंच नीच में फर्क नहीं देखता है, ठीक है, जुडिशरी जो है लोकतंत्रीय व्यवहार नियमों के अनुसार न्याय दिलाती है। और संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका यानी कि इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है, का कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहता है, जो भी मंत्रिमंडल है वो यानी कि लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी रहता है, ठीक है। और ऐसा शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का स्थान सरकार के अन्य विभागों से उच्च होता है, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में आपको मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जहां मर्जी से है, जैसा मर्जी है, आपके पास आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, और ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्या ये प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर रेलवे मिनिस्टर, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लोकसभा राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति। ध्यान से सुनिए, हमारे देश में संसद के दो सदन है, आप सभी को पता होगा, दोनों सदनों में से एक को राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, याद रखो हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हम देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, कब होती है, When does the joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha take place? जब सही कब होती है संयुक्त बैठक, कब होती है, जब राष्ट्रपति बुलाए उस टाइम होती है, या फिर लोकसभा में राज्यसभा में कोई मतभेद चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है उस टाइम होगी, संसद का सत्र शुरू होने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं।
देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा में कोई भी मतभेद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहे हैं, ठीक है, तो उस समय यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 108 के 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नियम है 108 में, क्योंकि अब ये क्वेश्चंस पुराने हो चुके हैं कि कौन संसद को बुलाएगा, अध्यक्षता कौन करेगा, अब आर्टिकल पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत ये सारा काम हो रहा है। तो देखिए संयुक्त बैठक आयोजित करने का नियम ये है कि दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा उस टाइम उपस्थित होना चाहिए, तभी होगा। संयुक्त बैठक में यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को पारित करने में असफल होते हैं और गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि एक एक मान रहा है और दूसरा उसको डिनाई कर रहा है। ठीक है, इस गतिरोध को तोड़ने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ठीक है, मतलब विचार विमर्श के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है, कितनी बार बुलाना जरूरी है, अब तो पता ही होगा आपको क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये हमने डिस्कस किया वीडियोस में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 बार बुलाना जरूरी है। फ्रेंड्स संसद के दो सत्रों के बीच कितना महीने का गैप होना चाहिए, 6 महीने का। ठीक है, संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी चाहिए, राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र बुलाने की शक्ति है, भारत का संविधान लोकसभा राज्यसभा के बीच जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी गतिरोध चल रहा है, उसकी स्थिति में संयुक्त सत्र का प्रावधान करता है, आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, भारत में संसद प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित करती है जिसमें आपके हैं बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, और इसी तरह से 6 महीने से अधिक अंतराल गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर, संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीना या फिर 12 महीना, सिंपल सा है। ठीक है, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताइए, संसद से संबंधित नहीं है, जल्दी से रेट करो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू सस्पेंड, बर्खास्त करना, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, अब देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, स्टैंडिंग कमेटी हो गया, एडहॉक कमेटीज हो गया, ज्वाइंट कमेटी हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टैंडिंग कमेटी में पहले भी आपको मैं चीजें क्लियर कर चुका हूँ, स्टैंडिंग कमेटीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया जिसको हम लोक लेखा समिति कहते हैं, ठीक है, एक आपका एस्टिमेट कमेटी हो गया जिसको हम प्राकलन समिति कहते हैं, एक आपका हो गया कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया, ठीक है, एक आपका SC/ST कम्युनिटी हो गया, ठीक है, एक आपका बिजनेस एडवाइजरी हो गया, एक आपका प्रिविलेज कमेटी हो गया, और अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड करूँ इस चीज को, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि फाइनेंशियल कमेटीज कौन कौन सी हैं, फाइनेंशियल कमेटीज कौन कौन सी हैं, तो कंसेप्ट याद रखना PEP का, ठीक है, PEP का कंसेप्ट याद रखना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ये तीनों ही फाइनेंशियल कमेटीज हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तदर्थ समितियां, एडहॉक कमिटीज। यहां पर बात क्या की गई थी कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एडहॉक कमिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि किसी भी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती है, जब वे अपना काम समाप्त कर लेती तो ये जो कमेटी है वो इसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर देखते हैं क्या ये कार्यपालिका का नियत कार्यकाल है या फिर कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है,
कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। इस वर्ड से आप थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, संसदीय प्रकार पार्लियामेंट्री टाइप, और पार्लियामेंट्री टाइप में एक सबसे बड़ी जो विशेषता है, ठीक है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। और एक की फैक्ट याद रखो कि इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ठीक है, रहता है, और काफी बार क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, कि मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और वे मंत्रिपरिषद के नेता, संसद के नेता और सत्ता में पार्टी के नेता होते हैं, जैसे इस टाइम नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? अब देखिए, फाइनेंशियल फाइनेंशियल कमेटीज, मैंने अभी आपको बताया पीईपी का कंसेप्ट याद रखना, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, एस्टिमेट कमेटी हो गया, और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो गया। ठीक है, तो पीईपी ये सारी क्या है, फाइनेंशियल कमेटीज हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एन की 1 2 3 ये सारा ही है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको ये बताया, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि क्या विशेषता है इसमें, क्या लगता है आपको क्या विशेषता है? जल्दी से ऑप्शन रीड करो, जल्दी से रीड करो, और कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पता लग रहा है आपको अपने सिलेबस का, टॉपिक्स का, एमसीक्यूज का, मॉक पेपर का, और आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से बस आपके सिलेक्शंस हो जाए, क्योंकि एचपीजे की आपके टीम के पास ही टेस्ट टीम है, एनालाइज टीम है, परफेक्ट यहाँ पर टीचर्स हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो व्हाट्सएप कर लेना एक बार। ठीक है, और फ्री टेस्ट लेने होंगे तब भी व्हाट्सएप कर लेना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि आर्टिकल 79 के तहत, ठीक है, संसद के गठन संबंधी प्रावधान करता है। ठीक है, आर्टिकल 79 संसद के गठन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति भी इंक्लूड है। जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, अन्य अधिकांश देशों की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राज्यसभा संसद से पृथक होता है, यानी कि अलग होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। और अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कोर्स क्लास इसमें आपको मिलती है, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, और साथ में आपको टेस्ट भी इंक्लूड रहेंगे, तो ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। और बताइए कितना आपका आज का स्कोर रहा है, जुड़े रहिए, क्योंकि नेक्स्ट अभी हम और एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये सीरीज में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल रही होगी और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।